भिलाई शहर की महिलाओं द्वारा इन दिनों भिलाई शहर में ऑर्गेनिक गुलाल का निर्माण किया जा रहा है और इन प्राकृतिक गुलाल की शुद्धता को देखते हुए इनकी मांग भी दिनों दिन लगातार बढ़ती ही जा रही है। हमने भी जानने का प्रयास किया कि इन प्राकृतिक रंगों को कैसे बनाया जाता है और ये शरीर पर किस तरह अपना असर दिखाता है। जो महिला स्व सहायता समूह इनका निर्माण कर रही है, हमने इनकी अध्यक्षा और मार्गदर्शिका श्रीमती विभा सिंह से खास बातचीत की और इनकी मेहनत को जाना। आप भी देखिए ये रंग कितने प्राकृतिक हैं और कितने स्किन फ्रेंडली हैं। नमस्कार दोस्तों, 8 मार्च को रंग महोत्सव, रंगों का त्यौहार होली मनाई जाएगी और विगत कई वर्षों से हम देख रहे हैं कि बाजारों में केमिकल युक्त रंगों का बहुत ज़्यादा प्रयोग हो रहा है। चीन इसमें ज़्यादा बदनाम रहा है कि चीन से गलत तरह के केमिकल के रंग भारत में भेजे जा रहे हैं, जिसका यूज़ करने से स्किन प्रॉब्लम होती है और बहुत सारी तरीके की प्रॉब्लम्स हो रही है। और इसको टक्कर देने के लिए भारत में विशेष तौर पर भिलाई में, जहाँ हम निवास करते हैं, यहाँ हर्बल रंगों का निर्माण किया जा रहा है और लोगों को प्रेरित किया जा रहा है कि होली में प्राकृतिक रंगों का प्रयोग करें। ये रंग बनते कैसे हैं, इनमें किन प्रकार के पदार्थों का उपयोग होता है, आज हम इन सारी चीज़ों की जानकारी लेने के लिए हम बैठे हैं डॉक्टर विभा सिंह मैडम के साथ में, जो कि रिटायर्ड प्रोफेसर हैं कल्याण पीजी कॉलेज से। तो हम जानते हैं कि किस तरह से महिलाओं को उन्होंने संगठित किया और किस तरह से इस बारे में सोचा कि प्राकृतिक रंग बनाने चाहिए। मैडम, सबसे पहले तो ग्रैंड एसी न्यूज़ में आपका स्वागत है। धन्यवाद, आप लोगों ने इसे वो मंच दिया और हमारी इन महिलाओं को अपनी बातें रखने के लिए इस पटल पे, क्योंकि आजकल इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का युग है, जब तक हम आप तक नहीं पहुंचेंगे तब तक हम जनता तक नहीं पहुंचेंगे। तो इसलिए आज का आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं ये बताना चाहूँगी कि ये रंग बनाना और रंगीन सपनों का समान है और इसमें सबसे बड़े महत्वपूर्ण जो योगदान है वो शासन का है। शासन ने मुझे एक बार, मैं नगर निगम गई थी तो मुझे पता पड़ा एक स्व सहायता समूह शासन के थ्रू बनता है, इवन रूरल एरिया में भी बनता है और अर्बन एरिया में भी बनता है। पहले हमको लगता था शायद ग्रामीणों के लिए ही योजना है, पर ये अर्बन शहरी लोगों के लिए भी है। तो शासन की इस योजना को मैंने समझा वहां जाकर के और वहां के अधिकारियों ने बहुत ही विस्तार से और बहुत ही डाउन टू अर्थ वे में मुझे समझाया, मुझे बहुत अच्छा लगा। और मैं शुरू से ही महिला सशक्तिकरण, वुमेन एम्पावरमेंट के लिए बचपन से मेरा रुझान था कि मैं महिलाओं को कैसे भी शक्तिशाली बनाऊं। और पूरे विचार करने पे मुझे लगा जब महिला फाइनेंशियली स्ट्रांग होंगी तो समाज में उनका अपना एक पहचान होगी और एक नाम होगा, चाहे वो उसके पति की नज़र में हो या परिवार की नज़र में हो। आप खुद देखिए परिवार में बच्चा पिता को क्यों मानता है, क्योंकि पिता उसकी सब आर्थिक रिक्वायरमेंट पूरा करता है, पर जिस दिन माँ सक्षम होगी उसकी आर्थिक रिक्वायरमेंट पूरी करेगी तो बच्चा माँ की भी उतनी ही रिस्पेक्ट और इज्जत करेगा। तो मैं चाहती हूँ हर महिला को रिस्पेक्ट हर जगह मिले, समाज में भी, परिवार में भी और अपने दायित्व के कार्य में भी। तब मैंने ये संगठन बनाया और वार्ड 1, जुनवानी वार्ड 1 में वहाँ की, क्योंकि मेरी कुछ भाइयाँ थी जो काम करती हैं, अपने डोमेस्टिक काम्स करती हैं, झाड़ू पोछा चलो, उनको मैंने मोटिवेट किया। वो सब मैक्सिमम जुनवानी से आती हैं, वो तैयार हो गई क्योंकि उनको विश्वास था कि मैडम जो है वो कभी भी चीट नहीं करती और मैडम हमें अच्छा मार्गदर्शन देंगे। और उनके पेरेंट्स और पति भी मुझसे इम्प्रेस थे कि नहीं मैडम से ही बात कहती हैं, तो उन्होंने अपनी वाइफियों को इसमें जोड़ने के लिए तैयार किया। तो ये शासन का ही पहल थी कि मैं इस कदम के लिए आगे बढ़ी। तो हमने स्व सहायता समूह बनाया, फिर मुझको लगा कि इसे बचत करना तो औरतों ने सीख लिया, पर मंथ हम लोग 200 रुपए बचत करते हैं, महीने में एक बैठक होती है। और पर मुझे लगा मुझे यहाँ तक रुकने से कोई फायदा नहीं है। तो दिवाली आई तो मैंने इन महिलाओं को बोला कि तुम लोग तोरण बनाओ, क्योंकि आजकल शहरों में कोई तोरण नहीं बनाता है और बिकेगा, तो उसमें इनका कुछ खर्चा नहीं हुआ। इन्होंने आम के तोरण बनाए और हर महिला को 700 से लेके 1000 रुपए का फायदा हुआ। उससे ये लोग उत्साहित हुई और होली आने के पहले मेरे पास आई, मैडम मैडम रंग के लिए कुछ करिए। तब फिर मैंने शासन से भी पूछा, मुझे वहाँ पे प्रीति सिंह मैडम है उन लोगों ने मुझे बताया कैसे कैसे बनता है। फिर मैंने यूट्यूब खोला और तब मैं इसकी विशेषज्ञ बन गई और फिर मैंने ये काम इन महिलाओं के थ्रू शुरू कराया। मैडम, बहुत अच्छी बात है कि महिलाओं का, सबसे बड़ी चीज ये है कि महिला का विश्वास जीतना,
जो आपने सारी महिलाओं का जीता जी। और इस वजह से वो महिलाएं आप पर भरोसा करती हैं और आपकी कही हुई बातों को एक्सेप्ट करती हैं और आपके बताए मार्गों पर चलती हैं। होली के रंगों की हम बात कर रहे हैं तो अभी फिलहाल जो रंग हमने देखे हैं होली के जो पैकेट हो रहे हैं जो बन चुके हैं क्या क्या इसमें यूज होता है आप उसके बारे में थोड़ा सा प्रकाश डालिए और हमारी जनता को बताइए। इसमें सभी ऑर्गेनिक चीजें, इट्स नॉट अ हर्बल कलर, हर्बल में हम फिर भी केमिकल्स कुछ यूज कर सकते हैं पर ये केवल प्राकृतिक चीजें हैं जो ईटेबल चीजें जो हम खाते हैं। जैसे हमको पिंक कलर चाहिए तो चुकंदर, पालक, धनिया, इवन नीम की पत्ती भी ले सकते हैं। और हमने लिया है इसमें हल्दी, टर्मरिक, और मेन इंग्रेडिएंट हमारा रहता है कॉर्नफ्लोर और अरारोट। एंड उसके बाद खुशबू के लिए, क्योंकि पालक की थोड़ी स्मेल आएगी चुकंदर की, तो एसेंशियल ऑयल, इट्स वेरी कॉस्टली बट वेरी सेफ फॉर द स्किन, हमारे शरीर की त्वचा के बहुत फेमिलियर है। और ये एक प्रकार से 2-in-1 काम करता है, आपका रंग तो रंग उपटन का भी काम करेगा। अगर हम टर्मरिक वाला रंग खेलते हैं तो वो पानी डलने पे उपटन का काम करेगा, आपके स्किन और ग्लो करेगी। तो मैंने अपने कमिश्नर जो स्वर्थ द्विवेदी सर उनको बोला भी कि सर आप जिस दिन इस रंग से होली खेलेंगे दूसरे दिन ऑफिस आएंगे तो लोग बोलेंगे कि सर आपकी स्किन बहुत चमक रही है। तो इट्स वेरी स्किन फेमिलियर और एक भी ड्रॉप इसमें कोई भी केमिकल नहीं है। और छोटे बच्चों के स्कूलों में ये बहुत गया है, रायपुर में स्कूल के बच्चों के पास गया है। अभी बबल भी स्कूल वालों ने मुझे 5 किलो का ऑर्डर दिया हुआ है क्योंकि उनको मालूम है, वही विश्वास की चीज है क्योंकि मैं कोई गलत चीज नहीं करती हूँ और मैं इसमें पैसे के लिए भी नहीं जुड़ी हूँ। और हमने सबसे बड़ी चीज है, हमने स्व सहायता समूह के बैंक से एक भी पैसा नहीं लिया लोन, विदाउट लोन वी आर डूइंग लाइक दिस। क्या बात है, इसे बोलते हैं सशक्तिकरण, महिला सशक्तिकरण। आज बहुत सारी महिलाएं इस ओर काम कर रही हैं और वाकई में आज महिलाओं को सशक्त देखा जा सकता है और उनके उनकी मतलब बोला जाए कि उनके कारण विभा सिंह मैडम जैसे ही महिलाएं हैं जो आगे बढ़ करके महिला सशक्तिकरण की तरफ कदम बढ़ा रही हैं। मैडम ये तो हुई रंगों के बनने की बात है, अगर मंच प्लेटफॉर्म की बात करें, उसकी मार्केटिंग की बात करें, बाजार की बात करें तो उसको किस तरह से आप मैनेज कर रहे हैं? इट्स वेरी डिफिकल्ट, टेढ़ी खीर जिसको बोलते हैं ना, तलवार की धार पे चलना, बना तो लिया जोश जोश में और सबसे आखिरी में गाड़ी अड़ती है मार्केटिंग में। एंड वी आर रियली टोटली फेड अप। और हमको बोला गया कि नगर निगम में बिकेगा, हमने स्टॉल लगाया सुबह से शाम तक क्योंकि भाई ये ऑर्गेनिक कलर है, इसमें हमने इतनी महंगी महंगी चीजें लगाई हैं और हमको लगा ऑर्गेनिक है तो पैकेजिंग भी हमारी बड़ी अच्छी होनी चाहिए, तो हमारी पैकेजिंग में भी बहुत पैसा लगा। तो हमने 80 रुपए 250 ग्राम का रखा तो कोई भी नहीं खरीदा वहां पर, फिर हमको अपना एफर्ट लगाना पड़ा। अभी उन्होंने बोला है सूर्या मॉल में लगाएंगे और हमने अपने पर्सनल कॉन्टेक्ट से, जैसे आज कल्याण कॉलेज में हमारा बहुत सारा निकला रंग, हमारे इनरविल क्लब ने इसमें हमें सपोर्ट दिया मार्केटिंग में, तो उन्होंने हमसे 150-200 ले लिए। और बबल स्कूलों में हमने कॉन्टेक्ट किया और अब आगे भविष्य में हमें हो सकता है नगर निगम के प्लेटफॉर्म से भी काफी बिक्री मिले, पर हो सकता है कि हमें रेट और कम करना पड़े, फिर हमारी महिलाओं को प्रॉफिट कम हो सकता है। बट हाँ ठीक है, माल पड़े रहने से अच्छा है कि हमारा बिक जाए, तो वी आर इंटरेस्टेड टू रिड्यूस द रेट, पर पहले सोचेंगे जितना लागत लगी उतना तो निकल जाए। मैडम की बातों से एक चीज साफ है, लोग अपने आप को जागरूक होना बताते जरूर हैं कि उन्हें भी पता है कि केमिकल रंगों को यूज करने से नुकसान होता है, प्राकृतिक रंगों का उपयोग करना चाहिए, लेकिन प्राकृतिक रंग थोड़े से महंगे हैं और उस 2 रुपए को बचाने के लिए हम वापस उसी जगह जाते हैं जहां केमिकल है, जहां नुकसान है। तो इसके लिए हम आम जनता को से गुजारिश करेंगे कि अपनी जागरूकता का परिचय दीजिए और उन महिलाओं को सशक्त करने में अपना योगदान दीजिए जो महिलाएं अपनी मेहनत से आपके लिए प्राकृतिक रंगों का निर्माण कर रही हैं। मैडम प्राकृतिक रंगों का निर्माण हो गया, मार्केटिंग को लेकर के बहुत सारी विषमताएं हैं, लेकिन मुझे यकीन है कि ये सारी विषमताएं खत्म हो जाएंगी, आने वाला समय और भी अच्छा रहा है, प्राकृतिक चीजों के प्रति लोगों का रुझान बढ़ रहा है और इसमें डॉक्टर्स भी हमारा बहुत सपोर्ट करते हैं जो बताते हैं कि प्राकृतिक चीजों को किस तरह से इस्तेमाल करना है। आगे और क्या आपकी प्लानिंग है महिलाओं को लेकर के, रंग तो हो गए, आगे और किस तरह की प्लानिंग है और हमारे चैनल के माध्यम से दर्शकों को क्या अपील करेंगे इस होली के लिए कि वो कलर? पहली चीज तो मैं बताऊंगी, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, हम कोशिश करते रहेंगे, हमको मार्केट मिलेगा
और दर्शकों को मैं यही कहूंगी कि सस्ता रोए बार बार, महंगा रोए एक बार। आप अगर बहुत ही चीप क्वालिटी के रंग यूज करेंगे तो आपके बच्चों की और आपकी खुद की स्किन खराब होगी, फिर आपको मेडिकल में जाना पड़ेगा, उसका चौगुना पैसा देना पड़ेगा। तो पहले ही प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, पहले ही आप प्रिवेंशन कर लीजिए, अच्छे रंग लगाइए। 4 रुपए ज्यादा लगेंगे पर आपके लिए बहुत ही स्वास्थ्यकारी रहेंगे। दूसरा, हमारी ये महिलाएं यहीं रुकना नहीं चाहती हैं। ये बोलती हैं कि मैडम हम लोग आप अगर सपोर्ट करेंगे तो हम झाड़ू पोछा वाला काम छोड़ करके कुछ कुटीर उद्योग शुरू करेंगे। तो अगर हमारा इसमें कुछ पैसा बचता है, बचत पूंजी, तो उसमें कुछ और पूंजी लगा के हम सोच रहे हैं कि मसालों का, क्योंकि उसमें कोई वेस्टेज नहीं होगा और ऐसे टाइम लिमिट नहीं होगा कि बेचो बेचो होली खत्म हो रही है ना। इट्स वेरी बिकम द वेरी टेंशन कि अरे बच जाएगा तो हम क्या करेंगे, हमारे घर में जगह नहीं रखने की, औरतें रखेंगी नहीं, तो या तो हम फ्री में दान करेंगे, जो भी करें, इट्स वेरी टेंशन वाली चीज। तो हम मसाले उद्योग में सोचते हैं महिलाओं को मैं ले जाऊंगी और बिल्कुल शुद्ध खरे सोने की तरह हम मसाले देंगे और मुझे विश्वास है कि हमारा मसाला बिल्कुल बिकेगा, लिज्जत पापड़ की तरह ही ये आगे जाएगा। मैडम ये तो उद्योग की बात हुई, लेकिन एक बात आती है लागत। लागत, लागत आखिर लागत की व्यवस्था कैसे होती है, कहाँ से आती है लागत? अभी तो ये लागत मैंने अपने घर से लगा दी, मैंने लगा दिया जितना पैसा लगा, मेरे ख्याल से 19,000 से 20,000 रुपए लगा है। एवरीथिंग, प्रिंटिंग व्रिंटिंग, पेपर सामान वमान, इवन हमारे पास 40-50 किलो चुकंदर और धनिया पीसने के लिए मशीन नहीं थी, किराए से मशीन लेके आए। तो सबसे पहले हम, हो सकता है यदि कम पैसा मिलता है तो हम वो मशीन के, पर वो मशीन भी गुजरात में हमको 22,000 में मिल रही है, तो देखते हैं कितना पैसा बचता है, नहीं तो फिर अपने पैसे लगाएंगे, देखेंगे जो होगा, भविष्य नहीं देखते, सोचेंगे, करते जाएंगे होता जाएगा। जैसे कि सुदामा जब हुए थे कृष्ण जी लेके चले तो अपने आप जमुना जी फटती चली गई, रास्ता बनता चला गया। हम भी अच्छा उद्देश्य लेके चलेंगे, अपने आप मार्ग प्रशस्त होगा, कोई ना कोई आके हमारी हेल्प करेगा। अगर आपका उद्देश्य अच्छा है तो कोई नहीं रोक सकता, आपको बिल्कुल मंजिल सफलता मिलेगी ही मिलेगी, और ये मेरा जीवन का बोलना चाहिए जीस्ट है, मैंने देखा मैं कभी नहीं रुकी। अगर आपका उद्देश्य अच्छा है, स्वार्थ परक नहीं है तो, निस्वार्थ है तो, दैट्स व्हाई। एक ही बात है, अगर आपने लक्ष्य साध लिया है तो उसे पाने से आपको कोई नहीं रोक सकता, बशर्ते आपका लक्ष्य सही होना चाहिए और आपके मन में उस लक्ष्य को पाने की जुनून होना चाहिए, एक पागलपन होना चाहिए कि नहीं ये लक्ष्य ही मेरा लक्ष्य है। अगर आप लक्ष्य से भटके तो सीधी सी बात है, ना वो मिलेगा ना आगे कुछ मिलेगा। दुविधा में दोहू गए, माया मिली न राम। तो मैडम ने जैसा बताया कि मैडम अपनी तरफ से भी लागत, इस बार जो रंगों का निर्माण हो रहा है उसमें लागत मैडम ने खुद लगाई है। जरूरी है आज समाज में ऐसे व्यक्तियों का सामने आना जो प्राकृतिक चीजों को बढ़ावा दे सके, लोगों के स्वास्थ्य के प्रति उन्हें जागरूक कर सके और आने वाले समय में महिलाओं को एक सम्मानजनक स्तर पर पहुंचा सके। तो मैडम आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप ग्रैंड एशिया न्यूज के इस खास कार्यक्रम में शामिल हो पाई। धन्यवाद आपको, और आपका न्यूज चैनल काफी पॉपुलर हो और हम लोगों को ऐसे ही जगह देते रहिए निस्वार्थ भाव से, तो इसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ कि आपने हमें छत्तीसगढ़ नहीं पूरे शायद हो सकता है भारत में हमारी आवाज जाएगी और हमारे रंग जाएंगे, और जहाँ जहाँ आपका आवाज जाएगी वहाँ वहाँ हमारे रंग जाएंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थी विभा सिंह मैडम जो कि अपने महिला स्व सहायता समूह की महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए भरसक प्रयास कर रही हैं। जरूरी होगा कि जो समाज के सक्षम लोग हैं वो भी आगे आएं और ऐसे पुनित कार्यों में अपना सहयोग दें। ऐसी और भी शख्सियत से हम आपको आगे आने वाले कार्यक्रम में मिलवाते रहेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।